सीआरडी 5.1, 5.2, 5.3 अभी इसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट करना है डिस्कस आपसे, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रिगो पार्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर इन इन एक्स वाई प्लेन। स्टार्टिंग ध्यान से सुना जाए तो इसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें ले आए। नाउ वी डिस्कस यस दिस वन इज द सिलेबस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज इन सिलेबस। तो ये आपका एक्स एक्सिस रहा, ये आपका वाई एक्सिस रहा। लावण्या सबको म्यूट कर दो बेटे, मुझे छोड़ के आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग में फिर डिस्टर्ब होता है बच्चों को जो रिकॉर्डिंग फिर से देखते हैं। म्यूट टू ऑल सिर्फ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में लाके प्लॉट करता हूँ तो जो मैथमेटिशियन था आर्गेंट के नाम से था तो इसलिए उसको हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। द नेम ऑफ मैथमेटिशियन इज आर्गेंट, ए आर जी ए एन आर्गेंट। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्गेंट प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। लेट पी इज द पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है मेरे एक्स कॉमा वाई। सपोज जैसे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, दिस इज योर एक्स की वैल्यू एंड दिस इज योर वाई, उसको ओ को पी से ज्वाइन किया दैट इज योर ओ पी, ठीक है। एंड सपोज ये एम पॉइंट है तो जो एक्स एक्सिस वाला है अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का जो था इसको अब हम कॉल करेंगे दैट इज योर रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो पार्ट है दैट इज योर रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द इमेजिनरी एक्सिस। योर एक्स एक्सिस इज नोन एज योर रियल एक्सिस एंड योर वाई एक्सिस इज नोन एज द इमेजिनरी एक्सिस। ये डिस्कस किया था आर्गेंट जो मैथमेटिशियन था जिसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। तो जो हम अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे थे z इज इक्वल टू x प्लस i दैट्स बेटा। सो इधर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, आशा की वॉइस नहीं आ रही थी। ओके वी आर डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन, प्लेन इन द सेंस की x एक्सिस एंड y एक्सिस। देन द फर्स्ट मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज द आर्गेंट, उसका नाम आर्गेंट का इसको बोलते हैं हम लोग आर्गेंट प्लेन। उसने बोला कि जो आपका x एक्सिस है इसको हम बोल रहे हैं रियल रियल एक्सिस और जो y एक्सिस है उसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एक टी पॉइंट लिया एक्सिस में ड्रॉ किया, ये x आ गया, ये y आ गया, इस OP की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैंने r बोला, लेट दिस इज योर r। हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, व्हाट इज योर r, r इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये आपका x है, ये आपका y है तो OP क्या आ जाएगा, दैट इज योर r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, OP square जिसको हमने R बोला था, R is OP, right? Let suppose this angle is theta. ये आपका बहुत important role play करने वाला theta. Theta क्या है? ये theta इस point की location in the case of direction. यानी जो theta है इस point का direction बता रहा है कि कैसे कैसे आपका point move कर रहा है। तो जो theta है जो compass number direction बता रहा है इसके लिए हम word use करते हैं argument. The word is argument या आप इसको amplitude भी बोल सकते हैं। तो दोनों वर्ड यूज करते हैं थीटा के लिए, आप आर्ग्यूमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा या एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा, ठीक। तो कैसे निकालते हैं इसको, इसको निकालते कैसे हैं थीटा को, सिंपल। इन दिस वन फिगर यू कैन कैलकुलेट tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। इन दिस फिगर, ये फिगर में tan थीटा क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा आपका tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x। y क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ x नंबर, x क्या है रियल का कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ले लिया मैंने tan थीटा और मॉडुलस लगा दिया क्योंकि अब अपनी ये डायरेक्शन जो है चेंज करेगा। तो अपनी जब डायरेक्शन चेंज करेगा अकॉर्डिंग करेंगे है ना, डायरेक्शन जैसे चेंज कर देगा तो मूवमेंट करेंगे। अभी देखो सिर्फ 5 से 10 मिनट को ध्यान से सुनना, थीटा अपनी पोजीशन कैसे चेंज करता है, इसलिए मैं मॉडल साइन पहले से लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैंने इस डायग्राम में, इस डायग्राम में tan थीटा निकाला दैट इज योर y अपॉन x, y क्या है इमेजिनरी पार्ट है, x क्या है इसका रियल पार्ट है, ये आपका tan थीटा आ रहा है। एक्चुअल हम चाहते क्या है, हम चाह रहे थे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसको आप कार्टेशियन फॉर्म बोल रहे हैं क्या ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जब अगर ये रोटेशन में है, अगर उसका एंगल थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस पर, तो आंसर आया यस।
आंसर दिया था आर्गेंड ने, उसने कहा यस अकॉर्डिंग टू एक्स वाई एक्सिस हम इसको रोटेट करके इसकी एक नई फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। देखिए उसने इसी फिगर में क्या किया, इन दिस वन फिगर अगर मैं पूछूं आपसे साइन थीटा की वैल्यू क्या, इस डायग्राम से साइन थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप बताएंगे साइन थीटा इज व्हाट वाई अपॉन आर, व्हाट इज कॉस थीटा तो आप बताएंगे एक्स अपॉन आर, इन दिस वन डायग्राम, इस डायग्राम से मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने बताई दैट इज वाई अपॉन आर, ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू बताई आपने एक्स अपॉन आर, यानी इस वाले फिगर से हम y और x की वैल्यू हम हमारे पास आ गई है, व्हाट इज x, x इज योर r cos थीटा, व्हाट इज y इज r sin थीटा, y की वैल्यू पता है हमें, x की वैल्यू पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास लिखा z इज इक्वल टू x प्लस i y x, x की जगह मैं पुट कर सकता हूँ r cos थीटा, y की जगह पुट कर सकता हूँ r sin थीटा, तो मैंने r को कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो मेरे पास एक ये नई फॉर्म जनरेट हो गई, इस नई फॉर्म को हम मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, क्योंकि साइन और कॉस के फंक्शन आ गया था इसमें, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपके पास दो दो तरह की फॉर्म आ गई, पहली फॉर्म थी आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दैट इज नोन एज योर कार्टेशियन फॉर्म, अब आपके पास आ गया z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसी को कुछ राइटर पोलर भी बोलते हैं, दैट इज द पोलर फॉर्म, पी ओ एल ए आर, पोलर फॉर्म बोले या ट्रिगो फॉर्म बोले ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि पोल्स जनरेट हो जाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में, दैट्स व्हाई वी सेड पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ये क्या था, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर x एक्सिस और y एक्सिस में रोटेशन पे लेके आए, तो मैं स्टार्टिंग से शेयर कर रहा हूँ, अब इसको जहाँ जिस पॉइंट पे रुका हुआ है नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ये पॉइंट था, ये एंगल थीटा था, सबसे पहले डायरेक्शन निकाला tan थीटा, दैट इज y अपॉन x, उसको क्या बोलते हैं थीटा को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड या ऑर्गुमेंट, x वाला आपका क्या है रियल एक्सिस है, y वाला क्या है आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i y अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म x और y में, इस OP डिस्टेंस के लिए मैंने r एक यूज कर लिया वेरिएबल, r की वैल्यू क्या होगी, दैट इज योर r इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैंने बताया और एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट दैट इज द थीटा, उसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, डायग्राम में गया मैंने साइन की वैल्यू निकाली कॉस की वैल्यू निकाल लो x और y की वैल्यू को लाके यहाँ पर पुट कर दी, तो एक नई फॉर्म जनरेट हो गई, दिस न्यू फॉर्म इज नोन एज पोलर फॉर्म ओआर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। सर ये r जो आपने यूज करा वो रियल नंबर है क्या, r इज सिंपल, r की वैल्यू बता रखी मैंने, r क्या है आपके पास, r है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर नंबर होगा 1 2 3, यस यू आर राइट, रियल नंबर ही होगा, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करके रूट निकाल लें, दैट इज योर r, तो ये क्या हमने जनरेट किया, ये हमने जनरेट किया पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब मेरा क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, जैसे अभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थे यहाँ पे ना, तो मूव करके सेकंड में भी आ जाएंगे, थर्ड में भी आ सकते हैं, फोर्थ में भी आ सकते हैं, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप किसी कार्टेशियन फॉर्म को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हो, लेकिन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में आपके पास कन्वर्जन की पॉलिसी आ जाएगी, बिकॉज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू योर एएसटीसी चार्ट, सेकंड में क्या हो जाता है आपका साइन वाले एंगल पॉजिटिव हो जाते हैं, थर्ड में दोनों निगेटिव हो जाते हैं साइन और कॉस, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें कॉस साइन का रोटेशन देखना है, तो मैं उसको देखो एक एक करके, यानी इसका मतलब मैं थीटा पे डिस्कशन करता हूँ, थीटा ही तो चेंज हो रहा है, आर तो चेंज होगा नहीं, आर तो हमेशा यही रहेगा, मेन क्या चेंज होगा थीटा, मतलब आर निकालना है और थीटा निकालना, निकाल के मुझे इस फॉर्मूले में पुट कर देना इसकी जगह, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एम्पलीट्यूड का चेंजेस देखता हूँ ध्यान, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब चार यानी फोर टाइप्स के क्वेश्चन बन गए, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या सेकंड में होंगे या थर्ड में होंगे या
फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, तो मैं चारों क्वाड्रेंट को एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप देखो सबसे पहले तो मैं थीटा के बारे में जो मेरा डिस्कशन था कि थीटा अगर आपका, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट ऐसे बना लिया, पहले से फिगर स्केच कर लिया से, ध्यान से। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं, तब अब आपका क्वेश्चन आया कि आपको कैसे पता चल रहा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से कि वहां एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका साइन प्लस प्लस होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, तो पता चल जाएगा आपको कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कर रहे थे, थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स करते, क्लियर। इसमें कोई चेंज नहीं, इसका भी एक क्वेश्चन करके मैं दिखा रहा हूँ। सपोज दैट अब आप सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये रहा आपका सेकंड क्वाड्रेंट लाइक दिस। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो आपको कैसे पता चला आप सेकंड में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव, वाई क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका साइन होता है ना माइनस प्लस, मतलब एक्स नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव होता है वाई आपका पॉजिटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको तो एम्पलीट्यूड यानी थीटा ये चाहिए, दिस इज योर थीटा, और निकाल आप ये रहोगे, तो क्या करेंगे आप इस वाले एंगल को निकाल लो। कैसे निकालोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, वही आपका फॉर्मूला जो बताया था मैंने अभी, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। देखिए यहाँ से जो थीटा निकलेगा, दिस इज यू नॉट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड नहीं होगा, सेकंड वाला बता दो। और बेटा वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी, आप जल्दीबाजी कर रहे हो। सेकंड वाले में मैंने टेन थीटा निकाला वाई अपॉन एक्स, लेकिन हमारा एम्पलीट्यूड तो ये है, जो भी एंगल आएगा उसको 180 से माइनस कर दें, दैट इज पाई माइनस थीटा, हमारा ये है एम्पलीट्यूड, एंटी क्लॉकवाइज के साथ एंगल, दिस एंगल इज नोन एज द योर एम्पलीट्यूड। तो जो आंसर आएगा उसको 180 से माइनस कर देंगे, तब ये आएगा एम्पलीट्यूड, तब जाके इसको फॉर्मूले पुट करेंगे, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड में, अभी मैं चारों क्वेश्चन करके, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा y / x, बेटे ध्यान से सुनो, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, अब इसको बस ध्यान से माइंड में सेट कर लो एक बार। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। कैसे पता चला थर्ड, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, दोनों होते ना नेगेटिव। आप ये एंगल निकाल लो, पहले आप क्या करो इस एंगल को निकालो ऐसे करके, ये अगर आपका थीटा निकाला तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पाई माइनस थीटा, लेकिन आपको तो ऐसे जाना इस डायरेक्शन में, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंगल आप निकाल चुके हो, उसके आगे माइनस लगा दो, वेरी गुड, जो एंगल आप निकाल चुके हो उसके आगे माइनस लगा दो, क्लॉक वाइज का क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था। इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए, कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, योर एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, आप ये एंगल निकाल ले थीटा और हमें ऐसे जाना है, तो जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज व्हाट, माइनस थीटा कर दो, थीटा की जगह ऐसे चले जाओ तो माइनस लगा के। तो देखो अभी मैंने क्या किया, चारों क्वाड्रेंट बताए, अब मैं एक एक करके चारों क्वेश्चन करता हूँ, यानी चारों टाइप करता हूँ एक एक क्वेश्चन करके, तो ये चारों फिगर आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड भी समझ में आ जाएगा और इसका आपको एंगल यानी पोलर फॉर्म भी आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने, अब ध्यान से सुनना, ये है बस ट्रिक, ये बस 5 मिनट में आपके चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 5 मिनट ध्यान से। जेड लिया जैसे मैंने 1 + i, जेड लिया मैंने 1 + i, और मैंने आपसे बोला कन्वर्ट दिस वन इंटू पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपने कहा देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो कहाँ पर आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो क्या करें, सबसे पहले आर निकाल ले, आर निकालने का एक ही फॉर्मूला है, रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स मतलब रियल, रियल कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, वाई मतलब इमेजिनरी, आई कितना है 1, 1 + 1 आंसर क्या है √2, तो आर की वैल्यू आ गई √2, आर इज इक्वल टू √2, ठीक। आप निकालते सीधे टेन थीटा,
क्या होता है फॉर्मूला? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z मॉड लगा के। इमेजिनरी पार्ट कितना है? i का कोफिशिएंट 1, रियल पार्ट कितना है 1, 1 अपॉन 1 कितना आया 1, tan थीटा 1, तो थीटा क्या है आपका पाई बाय 4, पॉजिटिव आया, आपने कहा पाई बाय 4 क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सीधे डायरेक्ट tan थीटा 1 की वैल्यू पुट कर दी पाई बाय 4, तो आपके पास थीटा आ गया, आपके पास r आ गया। अब आप सीधे फॉर्मूला लिखे z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की जगह रूट टू पुट कर दे, cos थीटा की जगह पाई बाई फोर आई। सर ये tan 45 की वैल्यू थी इसी वजह से हमने पाई बाई फोर करा। यस 45 1 होता 1 को लिख दिया मैंने पाई बाई फोर, 1 इज 45 डिग्री उसको बदल दिया रेडियन में और जाके ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट की और कॉस की वैल्यू पुट की, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ दिस, यानी इस वाले का मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्जन कर दिया, दिस इज योर टाइप वन। टाइप वन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पता चला, दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव, क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट वाले पोजीशन, मैंने बोला टाइप टू, सेम क्वेश्चन लिखा z इक्वल टू माइनस वन प्लस आई, आपने देखा x निगेटिव है y पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो कहां पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप r निकाले, r क्या आएगा रियल का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इमेजिनरी i यानी वन का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया रूट टू, तो z r इक्वल टू रूट टू आया। अब tan थीटा निकाले, वही फॉर्मूला y अपॉन x करके मॉड लगा के, y कितना है 1, x कितना है माइनस 1 मॉड, तो 1 अपॉन माइनस 1 का मॉड 1 आया, tan थीटा 1 है तो थीटा क्या आया पाई बाय 4, लेकिन ये आपका आर्गुमेंट नहीं है, दिस इज नॉट योर आर्गुमेंट, व्हाई, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो ये आर्गुमेंट नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ z वो पाई माइनस थीटा। यस आप लोग ध्यान से बोले ना बीच में, वेरी गुड, तो आंसर आया 3π/4, तो आर्गुमेंट क्या है 3π/4, ठीक। अब आप सीधे अपना फॉर्मूला लगा दें पोलर फॉर्म का, क्या फॉर्मूला, z इक्वल टू r ब्रैकेट में कॉस थीटा आई साइन थीटा, आर डाला था आपने कॉस के कॉस और थीटा अभी आपने बताया 3π/4 आई साइन 3π/4, तो ये आया आपका कन्वर्जन, कहाँ पर थे आप सेकेंड में थे, आप कैसे निकाला, ये मेरा हो गया टाइप टू। अब आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो गए होंगे डायग्राम वाले। फिर मैंने लिखा z इक्वल टू माइनस वन माइनस आई, अब देखो मैंने दोनों नेगेटिव कर दिया, दोनों नेगेटिव तो कहाँ चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, आर निकालने का एक ही फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आई का माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या आया रूट टू, या रूट टू। टेन थीटा निकालने का एक ही फॉर्मूला वाई अपॉन एक्स का मॉड, वाई क्या आई का माइनस वन अपॉन माइनस वन का मॉड, कट गया वन आया, टेन थीटा वन तो थीटा आया पाई बाई फोर। आपने बोला ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा कितना है पाई बाई फोर, तो पाई से पाई बाई फोर गए तो माइनस थ्री पाई बाई फोर। फिर मैंने लगाया पोलर फॉर्म का फॉर्मूला, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर की जगह क्या पुट किया रूट टू, cos थीटा की जगह माइनस थ्री पाई बाई फोर ब्रैकेट में लिख दिया आई साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर। अब यहां तक आपको अराउंड 90% पिक्चर क्लियर हो गई टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट वाला बचा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू वन माइनस आई, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहाँ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, r निकालने का एक ही फॉर्मूला
1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट रूट 2. टेन थीटा निकालने का एक ही फॉर्मूला, वाई अपॉन एक्स का मॉड माइनस 1 अपॉन 1 का मॉड 1 टेन थीटा 1 थीटा आ गया पाई बाई 4. लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं है. आर्गुमेंट नहीं है क्यों? क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है माइनस थीटा यानी माइनस पाई बाई 4. माइनस पाई 4 अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, z वाला r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा और जाके r की वैल्यू रूट 2 cos और थीटा की जगह माइनस पाई बाय 4, i sin थीटा की जगह माइनस पाई बाय 4. क्लियर? तो ये था आज का हमारा इसका कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे. दैट इज व्हाट, ये मेन चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका चार्ट था. ये आपका जो चार्ट था, इस चार्ट को क्या बोल रहे थे? आर्गुमेंट निकालने का. फर्स्ट वाले में नो चेंज. कैसे पता चलेगा नो चेंज? क्योंकि दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव. सिंपल टेन थीटा निकालोगे वाई अपॉन एक्स से और फॉर्मूले में पुट कर दोगे. सेकेंड वाले में कैसे पता चला? एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो आपका आर्गुमेंट क्या होता है? पाई माइनस थीटा. थर्ड में कैसे पता चलेगा? दोनों निगेटिव हो जाएंगे एक्स वाई, तो आपका आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा. देन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, आर्गुमेंट से लिया है. अब मैंने एक एक करके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया मैंने, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव. पहले आर निकाला, थीटा निकाला. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वही आर्गुमेंट होता है, जाके सीधे फॉर्मूले में पुट कर दिया. ये आया टाइप टू, यानी एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव. When x negative, y positive, तो आप कहाँ पहुंच गए? आप पहुंच गए आप second quadrant में. R निकालने का formula, tan theta ये निकाला, pi आया, theta आया pi by 4, but this is not an argument because you are in second quadrant. Second quadrant क्या होता है? Pi minus theta. Theta की value put करके solve कर लिया और जो आपका formula था इस formula में मैंने value को कर दिया. फिर आया मेरे पास माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा लाके पुट कर दिया इस फॉर्मूले में. फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, आर निकालने का एक ही फॉर्मूला, टेन थीटा निकालने का एक ही फॉर्मूला, बट दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट. वाई? Because in fourth quadrant argument of z क्या होता है? Minus theta, यानी इसके आगे minus लगा दिया. फिर polar form का formula लिखा, r और theta की value लाके put कर दिया. तो ये थे आपके first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. और इस पूरे overall structure को बोलते हैं polar form या Argand plane, या हम in very short बोल सकते हैं trigonometric form. तो one thing is necessary for you convert into polar form. Your complex number must be in the standard form. यानी आपका complex number standard form में होना चाहिए. अगर complex number standard form में है तभी आप कर सकते हैं. अगर नहीं है तो क्या करेंगे? हम उसको rationalize कर लेंगे, जो बताया था मैंने. Standard form में लेके आएंगे, R निकालेंगे, theta निकालेंगे, फिर check करेंगे किस quadrant में. According to quadrant, we can use this such steps. ऐसे steps use कर सकते हैं. Clear है? अच्छे से सबको समझ में आया ये फॉर्म. अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं. z लिखा मैंने 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई. z इज 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई. नाउ आवर क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस वन इनटू पोलर फॉर्म. कन्वर्ट दिस वन इनटू पोलर फॉर्म. तो सबसे पहले क्या करें? इसको रेशनलाइज कर लें. तो क्या करेंगे? 1 माइनस आई का मल्टीप्लाई और 1 माइनस आई का डिवाइड. तो न्यूमरेटर में आ गया a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी प्लस 1. तो वन वन का स्क्वायर वन, आई स्क्वायर माइनस वन, ये आया माइनस टू आई
अपॉन टू, तो दिस इज व्हाट माइनस टू आई अपॉन टू, टू से टू कट गया, तो जेड आया आपके पास माइनस आई, वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, जेड आया मेरे पास माइनस आई। अब मुझे इसको बदलना है पोलर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, जेड इक्वल टू जीरो माइनस आई, रियल पार्ट के लिए जीरो लिख दिया। सबसे पहले मैंने आर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, आंसर आया वन। अब हम निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन एक्स का मॉड, वाई का कितना है माइनस वन, एक्स कितना है जीरो, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, और टेन थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा आया पाई बाई टू। अब देखो, अब मैं अगर पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, आप बताएंगे सर ये तो एक्सेस में है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सेस बोलेंगे आप, क्योंकि रियल पार्ट तो जीरो हो गया, आई का कोएफिशिएंट नेगेटिव, आई कहाँ पे होता है वाई एक्सेस में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्चुअल लोकेशन क्या होगी, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये होगा नेगेटिव वाई एक्सेस में, नेगेटिव वाई एक्सेस में आया थीटा जो ये आया आपका पाई बाय टू, यही रोल प्ले करेगा आपका आर्गुमेंट का, और आर निकाल चुके हैं, आर आप निकाल दिया है, रोक दो इस रिकॉर्डिंग, रोक दो बेटा रिकॉर्डिंग, रोक दो।